हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो हाजिर है एक न्यू वीडियो में। बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही हार्ड लेकर आया हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। जितने भी चैनल पर नए हो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और रीज़न ये है वीडियो ना आने की। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर रहे थे और फिलहाल मैंने इंस्टाग्राम ID भी सेल कर दिया मेरा। सो आप लोग जाके मेरा जो सेकंड ID जाके फॉलो कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एडिटिंग लोकेश 2 ऐसा नाम से है। तो जाके पक्का से फॉलो कर लेना। रीज़न ये है क्योंकि वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई थोड़ा ये इस टाइप के वीडियो एडिटिंग सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। प्लस अभी हमारे तरफ जो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि अभी खेती किसानी का दिन चल रहा है अभी, तो उस पर बहुत ज़्यादा बिजी है अभी। क्या इधर उधर, मतलब जो छत्तीसगढ़ से होगा उसको ऑलरेडी पता होगा। और जय जय छत्तीसगढ़ से है भैया, जय जोहार लिख दहा महूला थोड़कन मजा आए। ठीक है, तो जम्मू चल जय जोहार मोरो तरफ से। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो लाइक कर दो। लाइक कर दिए हो तो, नहीं किए हो तो फटाफट से कर दो। और जितने भी चैनल पर नए हो फिर से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फटाफट से समझिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है लेकिन इन्जॉय करना पक्के से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा स्टेप रहेगा क्या, VPN कनेक्ट करना। तो VPN आपके पास नहीं तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे अपन लोग टोरबो जो VPN है उसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। बाकी जिनको ये प्रोसेस पता है देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हो। लेकिन जिनको नहीं पता और जिनके आईफोन में कैप कट नहीं चल रहा है, बहुत सारे बंदे मुझे DM कर रहे हैं कि भाई आईफोन पे कैप कट कैसे यूज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा, इसको कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज़ ईजिली कर सकते हो आईफोन iOS में। तो अपन लोग क्या करते हैं, पहला सिंपल से अपन लोग कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। मैंने जैसे ही बोला कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको चाहिए कैपकट आपके फ़ोन में आईफोन में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा, थोड़े से क्लिप पे बताऊंगा लेकिन ईजिली बता दूंगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना उस तरीके से। तो यहाँ से कैसे अपन लोग अपनी वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, पहली चीज़ तो पहला जो यहाँ पे जो धूल वाला इफेक्ट आता है उसको अपन लोग कैसे ऐड करेंगे, एडिट करेंगे। सो ये समझने वाली बात है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है, इसी की वजह से वीडियोस वायरल हो रही है। और जितने भी फुटेज आप लोग शूट करोगे, जैसे कि आईफोन से करो या फिर कैमरे से करो, सेम चीज़ करना है। बहुत सारे क्रिएटर हैं PC से करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं वो है फ़ोन से करते हैं। तो अपन लोग फ़ोन वाले हैं तो अपन लोग फ़ोन से ही करेंगे। तो फ़ोन से क्या करेंगे, पहले यहाँ से तो हम लोग एकदम फ्रंट का जो है ना, यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। मतलब यहाँ से तुम लोग को फ्रिज वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ से इसको जूम करना, इसके बाद यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसका हमें एकदम बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव करना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है आपको कैसे करना है, आपको स्नैपसीट एप्लीकेशन से करना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट पे जाना है, यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे तुम लोग को देख सकते हो हीलिंग वाला जो ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो HDR के जस्ट बगल में जो हीलिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना। और यहाँ से गाइस जो भी पार्ट आप लोग रिमूव करना चाहते हो यहाँ से कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे ये बवाल वाला सीन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे पूरा गायब ही जो का जैसे मेरी एक्स हो गई थी। सो अपन लोग इसको कुछ ऐसा ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ से राइट करेंगे, इसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट पे जाएंगे, कुछ भी भाई एक्सपोर्ट है सॉरी। सो यहाँ से इसको अपन लोग सेव मारेंगे और यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, डन। इसके बाद अपन लोग गाइस फिर से कैपकट एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ से हम लोग इसको जो है छोटा कर देंगे कुछ ऐसा। इसके बाद यहाँ से जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके फोटोज़ पे जाएंगे। यहाँ से जो हमने अभी बैकग्राउंड हटाया है ना, ठीक है, जो अभी हमने स्क्रीन शॉट लिया उसका बैकग्राउंड हटाया, उसको अपन लोग यहाँ से ऐड करेंगे कुछ ऐसा। और इसके बाद यहाँ से इसके साइज़ को अपन लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, फुल साइज कुछ इतना। ओके, डन। सो यहाँ पे हमारा लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका, जो हमारा इफेक्ट ऐड होगा बहुत ही तगड़ा होगा। सो यहाँ से अपन लोग यूज़ करेंगे इसका, फिर से फ्रीज करेंगे इसको और इसका PNG बनाएंगे, ठीक है। तो कैप कट में ही बनाएंगे, अदर एप्लीकेशन से भी आप लोग स्क्रीन शॉट करके बना सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको कैप कट में ही बता दूंगा क्योंकि ईजी है, अच्छे तरीके से समझ आएगा। प्लस और यहाँ से अपन लोग मारते हैं, यहाँ पे देख सकते हो फ्रिज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से फ्रिज करना। फ्रिज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा जो इस तरह पार्ट वगैरह है उसको यहाँ से मैं थोड़ा जूम करके डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट पे बच चुका है। तो इसको आपको छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके रखना है कि कहाँ पर कौन सा पार्ट बच रहा है। सो यहाँ पर अपन लोग आउट कट वाला जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे, यहाँ से कस्टमाइजेशन कुछ भी हो भाई इस पर जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है अपने को। सो यहाँ से ब्रश पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा और यहाँ पे देख सकते हो जो भी बिल्डिंग है ना,
जिसको भी जिस भी पार्ट को आप लोग पीएनजी बनाना चाहते हो उसको यहाँ से कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर दे जाना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अभी नेक्स्ट लेवल वीडियो एडिटिंग है तो आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि भाई अभी एक जो मेन जो तगड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी है, वो एडिटिंग बताने वाला हूँ कैसे करना है वो सब चीज़। सो यहाँ पे कैसे आप लोग इस तरह पार्ट रहेगा ना, उसको यहाँ से आप लोग वाउस कर सकते हो, वाउस कर सकते हो मतलब इसको रिमूव कर सकते हो फिर से। ठीक है, इसको कुछ ऐसा अपन लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वाइप टूटी फूटी इंग्लिश है भाई, क्या करें। सो अपन लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा रिमूव करते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एस्टर पार्ट सेलेक्ट है उसको अपन लोग कुछ ऐसा हटाते जाएंगे। ठीक है, परफेक्टली। सो यहाँ पे तुम लोग को समझ आ ही रहा होगा, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि भाई अपन बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन क्या करें, वीडियो तो लाना ही अपने भाई को, तो वीडियो बहुत ही तगड़ी है। सो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे प्यार से कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा खास है। और कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा मज़ा नहीं आता है, अधूरा लगता है कमेंट के बिना, तो कमेंट कर दिया करो। सिंपल से ये हमारा पिंजी बन चुका है, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे ओवरले। तो ओवरले करने के लिए यहाँ से अपनी पिंजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो ओवरले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओवरले कर देना और यहाँ से कुछ ऐसा, और इसको गाइस प्रेस करके रखना है इस वाले पिंजी पे ना, हम लोग इसको प्रेस करके रखेंगे, इसको आगे लेकर जाएंगे कुछ ऐसा, और यहाँ पे देख लो तुम लोग को कुछ ऐसा क्लिप जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस पर अभी तो बाकी जो वर्क है अभी बाकी है। ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल है अभी, तो यहाँ पे देखते जाओ क्या क्या सीन होने वाला है। सो अपन लोग कुछ ऐसा इसको कर दिए, इसके बाद यहाँ से जो इस तरह पार्ट है उसको हम लोग कुछ ऐसा क्रॉप करके इसको बराबर मतलब एकदम मैच करेंगे जो हमारा बैकग्राउंड है उसके लेवल पे। ठीक है, जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसके लेवल पे, और यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अपन लोग करने वाले हैं के फ्रेम का खेला लीला। तो भाई यही मेन चीज़ है, के फ्रेम को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग अगर के फ्रेम यूज़ करना सीख गए तो आपके लिए एडिटिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो भी एडिट करना है। यहाँ से कुछ इस तरीके से इसके साइज़ पर लेके मैं छोटा कर दूँगा, यहाँ से के फ्रेम यूज़ करूँगा, इसके बाद यहाँ पे कुछ इतने में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके बीच पे लेकर आऊँगा और यहाँ से इसको मैं जूम मारूँगा। ठीक है, बराबर जो मैनेज हो जाए एकदम बराबर। ठीक है, साइज़ पे। सो यहाँ पे परफेक्ट हो चुका। इसके बाद अपन लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा जो सीन है क्रिएट होगा। सो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से गाइस अपन लोग जो इस तरह पार्ट बच रहे हैं ना उसको भी क्रॉप करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पर हम लोग थोड़ा एनिमेशन यूज़ कर देते हैं। के फ्रेम के जस्ट बगल में तुम लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि ये है। सो सिंपल से गाइस हम लोग क्या करेंगे, इरेस इन थ्री इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये अच्छा खासा जो है इफेक्ट दे देगा। और बाकी इस पर बहुत सारे इफेक्ट वगैरह है, तो आप लोग जो भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये वाला बढ़िया लगा मुझे तो। ठीक है, क्योंकि ये धड़ाक से गिर रहा है ना, छोटे से बड़े होते आ रहा है, सो देखने में अच्छा लगेगा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ से राइट कर देंगे, इसके बाद यहाँ से फिर से रीचेक मारते हैं, तो यहाँ पे भाई कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, आप लोग खुद देखो यार कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। सो यहाँ से इसको हम लोग क्रॉप करेंगे थोड़ा, इसके बाद यहाँ से हमारा बैकग्राउंड भी क्रॉप करेंगे, या फिर एकदम लास्ट पर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग चेक करते हैं एक बार कि परफेक्ट है कि नहीं। ओके, सो डन। तो यहाँ पे गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है ना वो है स्मोक, जो धूल इफेक्ट आता है ना, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा, थोड़े थाड़ा भी नहीं। तो इसको आप लोग कैसे करोगे, ठीक है, जो धूल वाला इफेक्ट है उसको आप लोग कैसे लगाओगे, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा। आप लोग स्मोक लिखोगे ना, स्मोक इफेक्ट लिखोगे तो बहुत सारे तुम लोग को देखने को मिल जाएंगे, या फिर धूल ही इफेक्ट लिख देना मिल जाएगा, बहुत सारा मतलब उस पर लिख देना डार्क बैकग्राउंड ऐसा, ठीक है, डार्क स्क्रीन और मिल जाएगा। सो यहाँ से अपन लोग जो है उसको ऐड करते हैं जो हमारा स्मोक धूल वाला इफेक्ट है उसको। तो इसको गाइस मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और फिलहाल मैंने नया इंस्टा आईडी बनाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके फॉलो कर लेना। और क्योंकि भाई अपना जो ओरिजिनल ऑफिशियल आईडी था वो मजबूरी की वजह से कुछ करना पड़ा, तुम लोग समझ सकते हो, अगर फॉलो कर रहे होगे तो मुझे पता होगा। सो यहाँ पे ये वाला जो स्मोक इफेक्ट है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखने में गाइस ये धूल ही लग रहा है बट स्मोक है, बहुत ही तगड़ा है। सो इसको अपन लोग कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, साइज़ को आपको देख लेना जैसा आप लोग रखना चाहते हो, और यहाँ पे तुम लोग को जो है ब्लेंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल से अपन लोग पहले थोड़ा चेक करते हैं
ओके, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और जस्ट बिल्डिंग के बराबर पे लेकर आएंगे। और यहाँ से तुम लोग को ब्लेंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है जस्ट वॉल्यूम के बगल में, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना, ठीक है, कुछ और नहीं करना है, बस फिल्टर ही करना है। तो यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे, इसके बाद ऑपेसिटी है ना, यहाँ से ब्लेंड को कुछ हम लोग हल्का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो मतलब थोड़ा ख़राब दिखेगा देखने में ही। सो यहाँ पे ये लो भाई, और यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर पार्ट है उसको यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट करेंगे। सो यहाँ पे देख लो, एक बार चेक करो कितना ज़्यादा ओपी लगेगा। सो इसको गाइज मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने शेयर किया है, मतलब डाला है कुछ एडिट करके अलग से। सो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, न्यू इंस्टा अकाउंट लोकेश एडिटिंग 2 के नाम से है, तो जाके फॉलो कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट दिखाना वहाँ पर भी। सो यहाँ पे हमारा इतना हो चुका, तो इतना हो जाने के बाद गाइस अपन लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग थोड़ा स्पीड ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें गाइस हमें जो मॉन्सन ब्लर का भी यूज़ करना है, ताकि और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो टाइमलेस वाला सूट है ऐसा टाइप का लगे, और जो इसमें मॉन्सन ब्लर ऐड होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा देखने में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े आएगा। सो यहाँ से गाइस अपन लोग मॉन्सन ब्लर पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे गाइस तुम लोग को वंस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है टाइम्स पे, उस पर क्लिक करना पहले, और यहाँ से इसको ट्विंस करना। इसके बाद यहाँ से ब्लर को अपन लोग रखेंगे 30 के आसपास, या फिर उसे प्लस भी रख सकते हो, और सिम ब्लेंड को भी सेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से राइट डन, और यहाँ पे देख सकते हो अप्लाइंग मोशन ब्लर। सो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तब तक जिन्होंने शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाकर बहुत सारे बंदे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पैसा भी छाप रहे हैं अभी के डेट पे। और गाइस आप लोग को गाड़ी वाला अगर एडिटिंग चाहिए, बाइक वाला एडिटिंग चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत ही तगड़े वाले जो ड्रॉप करूँगा, कुछ नेक्स्ट लेवल सोच रहा हूँ अपने हिसाब से, तो इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी आ रही है, तो लगे रहना बस, सपोर्ट बनाए रखना। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक और इफेक्ट हमें ऐड करना है, ठीक है। और अभी के डेट पे एक और जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, एक बाइक वाला एडिटिंग प्लस जिस पे जो क्या बोलते हैं लोगो वगैरह चेंज होता है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, वैसा वाला भी एडिटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको कवर करेंगे। सो इस वाले वीडियो को देखकर उस वाले वीडियो को भी देख लेना जरूर से, क्योंकि यूज़फुल रहेगा। सो यहाँ पे गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ से जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा। इस पर हमें एक क्या बोलते हैं क्या भाई भूल गया, उस क्लिप को यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कहाँ गया भाई, जा 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 जा, कहाँ चले गया, ओके यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये वाला क्लिप है, मतलब जो हमारे सरेपाले का पेट्रोल टैंक का है, तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसका यहाँ से फ्रंट पे फ्रीज लेंगे फिर से, मतलब एक तरीके से स्क्रीन शॉट लेंगे इसका समझो, यहाँ से फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे देख सकते हो, इसको अपन लोग यहाँ से डिलीट करेंगे, 1% भी नहीं रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से गए अपन लोग इसका जो फिर से वही चीज़ करना है, सेम चीज़ इसको जो क्या बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा बीच पे, ठीक है, जो कि इसका हमें पीएनजी बनाना है, तो पीएनजी बनाने के लिए यहाँ से फिर से आउटकट पे जाके कस्टमाइजेशन यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी पार्ट आपको रखना है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। सो यहाँ से अपन लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। और जिन्होंने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी आप लोग गलती कर रहे हो। मतलब सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, और जल्दी करो यार, 1,00,000 सब्सक्राइबर क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो फटाफट से। सो यहाँ पे कैसे अपन लोग कुछ ऐसा सेलेक्ट करते जाएंगे, और जो भी इस तरह पार्ट रहेगा आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर मारना, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको अपन लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोग को और ज़्यादा समझ आए, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लोग इसको जल्दी से रिमूव करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। अगर आप लोग अदर एप्लीकेशन से भी इसका पीएनजी बना लेते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कैपकट में भी हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको PSCC से आप लोग अच्छा पीएनजी बना सकते हो, या फिर पिक्सआर्ट से बना सकते हो, और आईफोन पे भी आपको पिक्सआर्ट अवेलेबल है, सो आप लोग पीएनजी वगैरह उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे गाइस अपन लोग कैपकट से ही बना रहे हैं, क्योंकि अदर एप्लीकेशन का लफड़ा नहीं करते हैं। सो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद यहाँ से इसको अपन लोग फिर से ओवरले करने वाले हैं, तो यहाँ से अपन लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओवरले कर देंगे, ठीक है। सिंपल से ओवरले करने के बाद यहाँ से इसको साइज पे लेंगे कुछ ऐसा, और सेम ट्रिक गाइस इसमें भी लगाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम ट्रिक इस पर भी लगाने वाला हूँ। क्या ट्रिक है, यहाँ से के फ्रेम यूज़ करेंगे, और के फ्रेम यूज़ करके ही अपनी वीडियो को तगड़ा बना देंगे।
सो यहाँ से अपन लोग के फ्रेम यूज़ करेंगे, तो पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। सेम चीज़ करना है जो हमने बिल्डिंग वाले पे किया ना, वही चीज़। यहाँ से के फ्रेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एकदम मतलब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से गाइस गलती से क्लिक हो गया, इसको यहाँ से बीच पे लेकर आएंगे, इसको जूम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई कब बोलते बोलते मुँह नहीं थक रहा, क्या करें भाई, ड्यूटी है, करना पड़ता है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा इफेक्ट क्रिएट होगा। सो पहले अपन लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं, जो हमारे पीएनजी रहेगा उसको। लेकिन ये गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया देखने में, ये आप लोग देख सकते हो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है ये। तो गाइस अपन लोग क्या करेंगे, इसको अपन लोग इसको कुछ ऊपर लेके जाएंगे कुछ ऐसा, और यहाँ से के फ्रेम है उसको फिर से रीयूज़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखने में भी मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि फट से चला जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा लेट से आना चाहिए जो भी हमारा पीएनजी वगैरह है उसको। तो यहाँ से गाइस अपन लोग इस पर के फ्रेम यूज़ कर देंगे, सो डन। यहाँ पे इस तरह पार्ट रहेगा उसको यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट, डन, ओके। सो यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सो देख लो भाई अच्छा लगा ना। सो यहाँ पर भी गाइस अपन लोग एनिमेशन यूज़ करेंगे। सो पहले यहाँ से इसको मैच कर लेते हैं, बराबर से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से अपन लोग थ्री इन मतलब इरेज इन थ्री इसको अपन लोग फिर से ऐड करेंगे, और क्या लगा, तगड़ा हुआ ना। सो ये बहुत ज़्यादा देखने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जो सिचुएशन है, ठीक है। सो मज़ा भी आता है देखने में ऐसा एडिटिंग, और बहुत जल्दी ग्लो कर सकते हो ऐसे एडिटिंग करके। सो यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं रील पर देखा होगा, इसका जो कुछ लिखा होता है वो भी गायब हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि बीच का लोगो है ना, वो भी गायब हो जाता है। तो इसको भी हम अपन लोग करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसका स्पीड भी मैंने इसको एडजस्ट कर लिया ताकि देखने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इसके बाद यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, फिर से इसका फ्रीज करने वाले हैं। क्यों फ्रीज करेंगे, इसका अपन लोग पहले लोगो हटाएंगे एंड इसके बाद बैकग्राउंड रखेंगे, पीएनजी बनाएंगे, सब चीज़ यहाँ पे ऑल टोटल यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे आप लोग स्किप करोगे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आप लोग मिस कर जाओगे, तो यहाँ पे आपको एकदम स्किप नहीं करना है, पूरे ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना उसको देखो आप लोग, समझो। सो यहाँ पे अपन लोग कर लिए हैं इसका जो है फ्रीज, ठीक है। फ्रीज करने के बाद यहाँ से आउटकट पे जाएंगे और यहाँ से कस्टमाइजेज बुरी भला है। सो यहाँ से गाइस अपन लोग ब्रश के साइज़ को बढ़ा लेंगे कुछ ऐसा, पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको गाइस मैं ब्रश के साइज़ को पूरा फुल ही कर लेते हैं, और इसको अपन लोग पूरा सेलेक्ट करेंगे कुछ ऐसा, ठीक है, पूरे बैकग्राउंड को। इसके बाद यहाँ से आपको जाना है वाइप पे, और यहाँ से जो भी लोगो है, ठीक है, जो भी पार्ट जहाँ से आपका लोगो हटेगा और अंदर का जो वीडियो दिखेगा उस पार्ट का आपको सेलेक्ट करना है कुछ ऐसा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये हमारा परफेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन भाई जल्दी जल्दी में हो ही रहा है काम। सो यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे राइट, और यहाँ पे ये बन चुका हमारा पीएनजी, ठीक है, डन। तो इतना समझ आ गया। इतना हो जाने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, फिर से थोड़ा इसको अपन लोग क्रॉप कर देंगे कुछ ऐसा, और थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका शायद, अनमैच हो जा रहा है, तो इसको अपन लोग थोड़ा फिर से बढ़ा देते हैं हल्का सा। और इसके बाद यहाँ से फिर से हमें फ्रीज करना है इसका, ठीक है। फ्रीज करने के बाद यहाँ से इसका लोगो है ना उसको हमें रखना है, ठीक है, लोगो का पीएनजी बना कर रखना है। अब तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, फिर से सेम स्टेप करेंगे। सो यहाँ से अपन लोग इसको साइज़ को बढ़ा लेते हैं पहले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ से इसका लोगो हटने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से इसका लोगो हटेगा तो और नीचे से मतलब पीछे से एकदम वीडियो आ जाएगा एकदम अचानक से। सो इसको अपन लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से अपन लोग, अरे यार फ्रीज किया था, कहाँ चले गया, शायद फ्रीज नहीं किया क्या। सो यहाँ से इसको मैं फ्रीज करता हूँ यहाँ पे एकदम लास्ट पे आके। सो यहाँ से फ्रीज मारते हैं फटाफट से, फ्रीज मतलब स्क्रीन शॉट ही समझो। और इसके बाद यहाँ से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अपन लोग जूम मार के यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ से ये जो हमारा पीएनजी है मतलब जो हमें फ्रीज किया उसका हमें फिर से बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। यहाँ से आउटकट पे जाएंगे, कस्टमाइज कुछ भी हो उस पर जाएंगे, और यहाँ से ब्रश को चला देंगे कुछ ऐसा इस वाले लोगो पे, ठीक है, जो हमने उस वाले बैकग्राउंड का जो पार्ट रिमूव किया पीएनजी बनाया उसको, यहाँ पे वही लोगो को यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और इसका पीएनजी बनाना है, ठीक है। बाकी आपको आगे समझ आएगा, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा है कन्फ्यूजन में हो उनको आगे पता चल जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से अपन लोग कुछ ऐसा हटा देंगे और यहाँ पे हमारा लोगो का पीएनजी बन गया, देख लो परफेक्टली बन चुका। इसके बाद यहाँ से इसको मैं मार देता हूँ फटाफट से ओवरले, ठीक है।
वाले मारने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला ये वाला भी जो पीएनजी है ना उसको अपन लोग मार देंगे वाले। लेकिन इससे पहले जो इसका वीडियो है ठीक है, इसको हम लोग लोगों को मैच कर लेते हैं बराबर से, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग अलग जो फुटेज है उसको क्लिक कर लिया, इसकी वजह से इस पर थोड़ा मतलब साइज़ वगैरह अनमैच हो चुका। लेकिन आप लोग फ्रीज करके वही थोड़ा स्प्लिट कर लेना, मैंने ये मतलब थोड़ा भूल गया मैं जल्दी जल्दी में, लेकिन कोई नहीं ठीक है। इसको साइज़ को अपन लोग लोगों को लगा लेते हैं परफेक्टली। इसके बाद यहाँ सिंपली जो प्लस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर में आपको जो भी वीडियो दिखाना है ठीक है, इसके अंदर में आपको दिखाना है ना वीडियो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से मैं जैसे कि ये वाला वीडियो है ठीक है, जो मैंने बसना का शूट किया था, एक नॉर्मल से शूट कर लिया था, मतलब फ़ोन पे चार्जिंग नहीं था ढंग से शूट नहीं कर पाया, लेकिन ये शूट किया था इसको, तो इसको अपन लोग रखेंगे ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मैं फटाफट से ओवरले मार देता हूँ जो हमारे बैकग्राउंड है ठीक है उसको। सो इसको अपन लोग ओवरले मारते हैं, इसके बाद यहाँ पे हमारे देख सकते हो जो क्लिप है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अपन लोग हल्का से इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है, और इस पर अपन लोग पीएनजी लगाने वाले हैं, मतलब पीएनजी को अपन लोग हटाएंगे। सो अपन लोग पहला चीज़ है इसको के फ्रेम का यूज़ करेंगे, पहला चीज़ तो यहाँ पे के फ्रेम यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो पहले यहाँ पे अपन लोग लोगों को हटाएंगे, तो लोगों हटाने के लिए यहाँ से के फ्रेम पे पहले क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ से लोगों को नीचे लेकर आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो लेयर है ना वो मतलब दूसरे लेयर पे है, फ्रंट पे नहीं है। तो इसको गाइस यहाँ से मैं जो लेयर है उसको यहाँ से चेंज कर दूंगा पहले। तो अपन लोग इसको लेयर का ऑप्शन तुम लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके तब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको पहले यहाँ पे अगर इस पर भीड़ गए हैं तो इसको चेंज ही कर देते हैं ठीक है, इसको हटा देते हैं हम कुछ ऐसा ठीक है, और के फ्रेम इस पर ऑलरेडी ऐड हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे लेयर लिखा है 1 2, तो यहाँ से गाइस इसको मैं 2 कर दूंगा, सॉरी ठीक है 1 बोल रहा था लेकिन 2 कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा और ये भाई नीचे आके यहाँ से साइड से चला जाएगा एकदम अचानक से, देख सकते हो। इसको तुम लोग और वगैरह टहलाना चाहते हो ना लोगों को तो यहाँ पे टहला सकते हो, लेकिन के फ्रेम यूज़ करके ही सेम चीज़ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको जूम मारते हैं कुछ ऐसा जैसा यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वाला क्लिप था उसको। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा जो सीन क्रिएट हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पे अपन लोग देखते हैं। और यहाँ पे ये लो हमारे वीडियो पूरी तरीके से डन है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। और जिनको भी नहीं आया भाई नीचे कमेंट करके बता देना, थोड़ा और क्लिप में मैं थोड़ा समझाने के लिए ट्राई करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ऐसी वीडियो में, क्या करें बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, मेहनत का कम से कम एक फल दिया करो, लाइक कर दो नीचे कमेंट कर दिया करो, बस इतना ही काफ़ी है। आप सब जितना भी सपोर्ट दिखाते हो मेरे लिए, जितने भी मेरे व्यूज़ आएँ 100 आएँ 200 आएँ जितने भी आए सबके लिए मैं वीडियो डालूंगा, मतलब डालूंगा। सो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना है आपको जो भी ट्यूटोरियल चाहिए ठीक है। सो यहाँ से गए इस पर भी हम लोग जो है इरेज इन 3 का यूज़ करेंगे ठीक है, और ये बवाल लगने लगेगा देखने में। और इस पर भी अपन लोग क्या बोलते हैं यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट वाले जो हमारा के फ्रेम यूज़ किया था उस पर ठीक है। और यहाँ पे हमारे वीडियो पूरे तरीके से डन हो जाएगा, और इसको आप लोग किसी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे एडिट करके डाल सकते हो ठीक है, और देखने में गजब लगेगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और जितना हो सका मुझसे मैंने समझाने के लिए ट्राई किया, और जितना भी छोटा वीडियो बनाने के लिए ट्राई किया। सो पसंद आया कि नहीं आया नीचे कमेंट जरूर कर देना। और भाई नया पेज बनाया है इंस्टाग्राम का तो जाके फॉलो कर लेना, सपोर्ट दिखाना अपने भाई को। सो यहाँ से गई अपन लोग इसको थोड़ा देख लेना, और कलर वगैरह इस पर देना चाहते हो दे सकते हो ठीक है। और बाकी एक और चीज़ जो लोगो वगैरह पे लाइट वगैरह आते हैं और नियोन इफेक्ट आता है वो सब पीसी से होता है, तो मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे पास पीसी वगैरह जुगाड़ हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा बताने के लिए। तब तक ऐसा आप लोग कलर वगैरह दे के रख सकते हो, और यहाँ पे हमारे वीडियो पूरी तरीके से डन हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो करना क्या है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं किस नेक्स्ट ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।